भारतीय जनता पार्टी द्वारा रेडी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स लघु व्यापारियों को आगामी लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में सम्मिलित किए जाने के उद्देश्यों की पूर्ति को लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री उत्तराखंड चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम द्वारा भोलागिरी रोड गीता भवन में लघु व्यापार के सुखे प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा के संयोजन में रेडी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स लघु व्यापारियों के साथ एक जनसुनवाई संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज़ादी के दशक से लेकर अब तक रेड़ी पटरी वालों को मुख्य धारा में लाने के लिए किसी भी राजनीतिक दल ने प्रयास नहीं किया। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रेड़ी पटरी वालों से जो घोषणा पत्र बनेगा, भारतीय जनता पार्टी का आने वाले दिनों में जब चुनाव के टाइम पे घोषणा पत्र बनेगा, उस घोषणा पत्र में सुझाव लिए जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ आज से पहले कभी इस प्रकार का कभी ये नज़रिया हमें देखने को नहीं मिला। और पीएम स्वनिधि के माध्यम से तमाम जो लाभार्थी थे, पीएम स्वनिधि क्यों कहूँगा मैं, बहुत सारी ऐसी योजनाएं चल रही हैं जो स्ट्रीट वेंडर के लिए हैं लगातार। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री देश के स्ट्रीट वेंडर के लिए इतने गंभीर हैं तो ये देखने को हमें मिलता है। आज रेड़ी पटरी वाले को कोई अपने दरवाजे के पास खड़ा नहीं होने देता, कहता है एक घंटे अगर खड़ा 10 मिनट खड़ा हुआ चल बे चल, ऐसा इस तरीके से उसको खदेड़ दिया जाता है। तो आज उसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री गले लगा रहे हैं और गले लगाकर जो है सुदामा की तरह, सुदामा की बाती, उसके आंसू पहुंचने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी हमारा किसी प्रकार का भी उपयोग अगर भारतीय जनता पार्टी ने एक विकसित भारत के लिए अपना एक संकल्प पत्र बनाना है, उसके लिए देश में रहने वाले करोड़ों लोगों के सुझाव, डॉक्टरों के भी, रेहड़ी पटरी वालों के भी, कर्मचारियों के भी, बुद्धिजीवियों के भी, होटल मालिकों के लिए भी, पेट्रोल पंप चलाने वालों के, सबके सुझाव हम ले रहे हैं ताकि आने वाले विकसित भारत के अंदर उनके जो सुझाव हैं उनको समायोजन कर उन समस्याओं के निदान की ओर हम आगे बढ़ सकें। लोकसभा चुनाव ये निर्णय पार्टी का शीर्ष संगठन करता है और जो निर्णय करेगा हम सब उसका स्वागत करेंगे। क्या लगता है क्या इस बार सांसद किस पार्टी का बनने वाला है? 5 सांसद भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे और 5 लाख से ज़्यादा जीत के आएंगे।